ऑनलाइन गूगल क्लास में कक्षा तृतीय के भैया बहनों का स्वागत एवं सुप्रभात। विषय अपना संस्कृत है। प्रकरण की यदि बात करेंगे तो प्रकरण में है षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ में हिंदी अर्थ है। आज हम हिंदी अर्थ की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह समय। कह यानी क्या? समय यानी समय। क्या समय है या क्या समय हुआ है? दशोन अष्टवादनम। दशोन दस से, दस पुण्यनिकम, दस कम, अष्टवादनम आठ बजने में। तो आठ बजने में दस मिनट कम है। एषः अल्पाहारस्य समयः। एषः यह अल्पाहार से नाश्ते का समय यानी समय। यह नाश्ते का समय है। दो नंबर बात, कह समय है, क्या समय है? नव वादनम। नव यानी नौ, वादन मानी बजे, नौ बजे है। एषः विद्यालय से समय है। एषः यह विद्यालय से, विद्यालय का समय है समय। यह विद्यालय का समय है। कह समय है, क्या समय है या क्या समय हुआ है? सपाद नव वादनम। सपाद यानी सवा, नव यानी नौ, वादनम यानी बजे, तो हो गया सवा नौ बजे है। एषः प्रार्थनायाः समयः। यह प्रार्थना का समय है। कह समय है, क्या समय हुआ है या क्या समय है? दस अधिक दस वादनम। दस अधिक दस मिनट अधिक, दस वादनम दस बजकर, दस बजकर दस मिनट हुए हैं। एषः पठनस्य समयः। यह पढ़ने का समय है। इसी प्रकार से आगे देखिए, कह समय है, क्या समय हुआ है? सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध यानी साढ़े, साढ़े बारह बजे हैं। एषः भोजनस्य समयः। यह भोजन का समय है। यह भोजन का समय है। पादोन पंचवादनम। पादोन यानी पौने, पंचवादन पांच, पौने पांच बजे हैं। एषः क्रीडायाः समयः। यह खेलने का समय है। इस प्रकार से घटिका के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से हम अलग अलग समय में कौन कौन से कार्य करते हैं उनके बारे में अध्ययन किया गया। आगे इसी से संबंधित और भी है, वो हम अगले चैप्टर में करते हैं। धन्यवाद।